कराची ईद उल फितर की आमद आमद है। रोशनियों के शहर कराची में बसने वालों ने अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बावजूद मार्केटों का रुख कर लिया है। छोटी बड़ी मार्केटों और शॉपिंग सेंटर पर लोगों की बड़ी तादाद नजर आती है। महंगाई बढ़ने की वजह से खासकर तारिक रोड, हैदरी मार्केट, नाजमाबाद और दीगर बड़ी मार्केटों में खरीदारों का रश कम देखने में नजर आता है, जबकि महमूदाबाद और दीगर छोटी मार्केटों में आवाम का बड़ा रश देखने में मिलता है। एक सर्वे के मुताबिक जब मार्केट का सर्वे किया गया तो खरीदार खवातीन, मर्द और बच्चों ने दिन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि महंगाई में इजाफा होने की वजह से तमाम खवातीन के इस्तेमाल की चीजें ज्यादा महंगी हो गई हैं। अब खरीदार की कुव्वत खरीद बहुत कम हो गई है। कुछ हालात कराची के आज इस दफा रमजान में भी सही नहीं रहे, वरना पहले तो रमजानों में कम से कम ये हालात खराब नहीं होते थे, जिस वजह से ईद अच्छी गुजर जाती थी। अभी अगर कुछ लोग खौफजद हैं मार्केटों में आते हुए, पिछले एक दिन से कुछ बेहतरी आई है, अब देखें आगे क्या होता है। मैं पिछला दो तीन जो हफ्ते गुजरे हैं उसमें तो काफ़ी हालात ख़राब रहे, आगे पीछे होते रहे। हालात इतने ख़राब है कराची के, आपको पता है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, बोरियों में लाशें मिल रही हैं, कौन आएगा मार्केटों में? पहले आप देख सकते थे पार्किंग नहीं होती थी यहाँ पे, अब पार्किंग भी है, सब कुछ है। हालात सही हो जाए तो सब आएंगे, जिम्मेदार लोग खुद हैं, लोग खुद हैं जिम्मेदार। पहले लोगों के पास असला नहीं था, अब असला भी इतना आ गया, अब क्या कर सकते हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लोगों पर आ रहे हैं, आप और मेरे ऐसे लोगों पर आ रहे हैं। कोई बड़ा बंदा तो मर भी नहीं रहा है, सब नूडल बंदे मर रहे हैं, कोई सियासी वो भी नहीं है, मर तो नूडल बंदा रहा है बस। मैं ये तैयारी करूंगी, पहले मैं अपने कपड़े वपड़े लूंगी और ना अपनी शॉपिंग करूंगी, फिर ना मैं एक पे कपड़े पहनूंगी, अपने बैग वैग लूंगी, बटन वन लूंगी और नए नए बटन लूंगी, खिलौने खिलौने लूंगी। पहले खरीद फरोख्त करते थे, इस बार कुछ भी नहीं है, जो इतनी महंगाई हो रही है पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, जो हम लोग ले खरीदते हैं वो हो ही नहीं रहा। पिछली बार हम लोगों ने कपड़े अच्छे से खरीदे थे, चूड़ियाँ वगैरह हर चीज, और इस बार महंगाई बहुत है। इस बार हम लोगों ने सिर्फ कपड़े लिए और छोटी वगैरह चीज़ें, सैंडल्स वगैरह इतनी महंगी हो रही है, सब कुछ इतनी महंगाई बढ़ रही है। ये पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क हमेशा सलामत रहे और जो कुछ यहाँ हालात चल रहे हैं उन्हें हदायत दें और वो सुधरें, उन्हें भी जैसे कि देख रहे हैं आजकल कि सब मुसलमान एक जैसे हैं, उन्हें इन्हें खुद होना चाहिए कि सब आपस में बहन भाई हैं, और खुदा पाक से बस यही दुआ है कि आगे ऐसा कुछ ना हो। कराची में अमन अमान की नाकिस सूरत हाल की वजह से इस ईद उल फितर पर बराह रात असरात पड़ेंगे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मार्केटों में पुलिस और रेंजर की नफरी की तैनाती को यकीनी बनाए, ताकि शहरी किसी भी खौफ और खतरे से अपने घरों से बाहर निकल कर खरीदारी कर सकें और ईद उल फितर अच्छे तरीके से मना सकें। कैमरामैन दानियाल के साथ मेहर हमीद अनवर, दिन न्यूज़ कराची।